विधायक जी भाषण दे रहे थे। रामलीला का समापन होने वाला था और राम अग्नि बाण लेकर रावण के पुतले के दहन के लिए तैयार थे। तभी वहां पहुंचे एक शख्स ने गजब कर दिया। उसने रावण के पुतले पर पटाखे छोड़ दिए और फिर हो गया रावण दहन। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स उस युवक को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। अब कांग्रेस विधायक को इसमें साजिश नजर आ रही है, वो भी बीजेपी की। आज वर्ष अनुसार इस वर्ष रामलीला का आयोजन यहाँ पर संकट स्टेडियम चारों किया गया। पिछले लगभग 12-13 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम भारत का आयोजन कर रहे हैं, और चूंकि हम लोग एक दिन का कार्यक्रम करते थे, संस्कृति का कार्यक्रम करते थे, और उसी में एक दिन में हमारा रावण दहन भी हो जाता था, आतिशबाजी हो जाती थी। मगर हम सभी समिति के लोगों ने इस बार विचार बनाया कि हम लोग एक रामलीला का आयोजन करें, ताकि इस रामलीला को 3 दिन चलाएं और 3 दिन में धार्मिक माहौल यहाँ पर बना रहे, लोग धर्म से जुड़े, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। मगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, उन्होंने लगातार 12-13 तारीख से लगातार 15 तारीख तक पूरा व्यवधान उन्होंने डाला, और व्यवधान डालने के बाद में हम लोगों ने जब सब बात उनकी समझ भी लिए, जो उनकी इच्छा थी उन्होंने उस इच्छा अनुसार हमने कर भी दिया कि हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है, कार्यक्रम हिंदू समाज को इसकी ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमने सारी चीज़ को समझौता करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करा। और उसके बाद फिर जब रावण दहन की बात आई, तो इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने, रावण दहन श्री रामचंद्र जी के माध्यम से होना था, रथ में बैठ के रामचंद्र जी जा रहे थे और रामचंद्र जी को रथ में हम लोग ले जा रहे थे, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जो उनकी योजना थी, उस योजना के तहत में उन्होंने रामचंद्र जी के पहले ही उन्होंने अंगार लगा दी, रावण को रावण दहन कर दिया। ये पूरी घटना है छिंदवाड़ा के चांदा मेटा स्थित पंकज स्टेडियम की। रामलीला समिति की शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले की जांच का भरोसा दे रही है। अधिकारी मामले में जल्द ही कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि समय से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा या सनातन तत्व द्वारा ये पहले ही आग लगा दी गई, इसकी सूचना प्राप्त हुई, छानबीन की जा रही है, और जो भी परिणाम बाहर आए। जिस युवक ने रावण का दहन किया, उसका नाम राजेश नागवंशी बताया जा रहा है। फिलहाल रावण दहन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।